तो वापस से नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आप देख सकते हैं कि अभी हम पहाड़ों के बीच में हैं। तो पहाड़ों के बीच में वास करना एक बहुत अच्छी चीज है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, हवा पानी सब कुछ शुद्ध मिल ही जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज पाने के लिए दूसरे चीज का थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा है यहाँ पे, चारों तरफ पहाड़ ही भरा हुआ है और इन्वायरमेंट काफी मजेदार है। लेकिन यहाँ एक चीज है ना कि आप बिजली की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग कभी कभी हो जाता है। सूखे के दिनों में मतलब जब गर्मी आता है तभी नहीं मिलता है। अगर कुछ सुविधा की बात करें जैसे कि हमारे पास तो बैंक है, एटीएम है, तो वो चीज यहाँ पे हमें इजीली मिलता नहीं है। तो अगर किसी को पैसा निकालना पड़ता है, कोई आता है एजेंट उस तरीके से, तो उसे पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है। नीचे में तो थोड़ा मोड़ा नेटवर्क आ ही जाता है, लगभग 10% 20%, लेकिन स्ट्रेंथ एकदम बहुत वीक होता है, उसमें कुछ काम करने लायक होता ही नहीं है। तो पहाड़ भी हम आए थे एक दोस्त के साथ। तो जैसे आप देख सकते हैं ये जितुआ दादा है, इसी गांव के निवासी हैं, और ये सुखलाल दादा है, ये भी इसी गांव में निवास करते हैं। एक चीज पूछना चाहेंगे आपसे, अगर ये पैसे का निकासी का कुछ लेन देन अगर करना पड़ता है, कभी जरूरत पड़ जाता है, तो गांव में तो वो नहीं हो पाता, सुविधा तो नहीं है? नहीं। और बैंक जाना पड़ता है या फिर अगर कोई एजेंट आता तो क्या आपका घर के आसपास में वो काम होता है कि पहाड़, हम हर रोज पहाड़ी चढ़ना पड़ता है? पहाड़ चढ़ना पड़ता है पहाड़ में ना। तो पहाड़ में मान लीजिए इतना ऊपर से आप नीचे से ऊपर आए हैं, आप देख सकते हैं, तो आप थकते नहीं है? क्या करेंगे, तो मजे में तो चढ़ना पड़ता है। लेकिन एक चीज देखें कि आप लोग का थोड़ा आदत हो गया है, और हम लोग एक दो बार आते हैं ना तो पैर और दूसरे दिन तो जरूर दर्द करेगा हम लोग चढ़ने उतरने में। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे कि शहर बढ़िया है कि ये आपका पहाड़ी वाला गांव बढ़िया है? नहीं नहीं, पहाड़ वाला ही गांव अच्छा है। बढ़िया है ना, हमें भी यहाँ अच्छा लगता है। लेकिन समय के साथ कुल मिलाकर देखा जाए तो इधर का वातावरण एकदम शुद्ध मिलता है, हवा एकदम बढ़िया रहता है, हर समय जो है एकदम ठंडा ठंडा हवा बहता है इधर। ठंडा हवा भी ठीक है, और जो भी चास करेंगे वो भी सब फलन मिलता है एकदम बिना कोई केमिकल वाला। हाँ, फलन की बात करें ना तो यहाँ से उतना शायद नजर नहीं आ रहा है, पहाड़ की थोड़ा सा साइड में, पहाड़ के ऊपर में मतलब कल्टीवेशन किया गया है कुछ, जैसे अरहर का हो गया, बरबट्टी का हो गया, मकई का, तो वो सब में 1% भी खाद का उपयोग नहीं किया जाता, जो भी रहता है एकदम ऑर्गेनिक रहता है। और खाने की बात करें तो अगर खाते हैं तो वो टेस्टी भी बहुत अच्छा रहता है, मजेदार रहता है। चलिए एक बार आपको हम गांव भी दिखाते हैं सुखलाल दा का, कि ये पहाड़ के नीचे जो बसा हुआ गांव वो किस तरीके से है। ओ, छातुपड़ा में हो रहा है। जो नंबर तेरे पास है ना, वही तो पोर्ट करवा लो बीएसएनएल में, यही नंबर पर रहेगा, खाली कंपनी चेंज हो जाएगा। कितना हो ना है बन लो, अभी बनल दे। तो पहाड़ से हम नीचे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, और रोड भी काफी अच्छा बना है। रोड देख के आपको एक चीज लगेगा कि ये रोड जस्ट एक दो महीने पहले ही बना है। ये कटिंग आप देख सकते हैं साइड में, और हमारा एक्सपीरियंस है कि आप अगर 6 महीना पहले आते या फिर साल भर पहले आते तो मतलब एक हिम्मत जो है ना वो नहीं बनता। ये 5-6 किलोमीटर जो अंदर आना पड़ता है मेन रोड से, उसमें आने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता था, लेकिन अभी ये रोड बन के वो महज 15 से 20 मिनट ही लगता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो विकास हो रहा है। बाकी सुखलाल दा और जितुआ दा का जो गांव है थोड़ा सा वंचित है कुछ कुछ चीज़ों से, लेकिन आने वाला समय में हमको लगता है कहीं ना कहीं बढ़िया हो जाएगा। आप सामने देख सकते हैं ये स्कूल है यहाँ का, इस गांव के ही बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, और एक वहाँ पे पानी टंकी जो है मतलब पेड़ से नहीं दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं हमको लगता है बंद पड़ा हुआ है। और गांव का नाम आप देख लीजिए, ये कौन सी गांव आए हुए हम, ये है बेहरा पहाड़ी। तो बेहरा पहाड़ी काफी इंटीरियर है और पहले से मतलब थोड़ी दिक्कत है। देखिए यहाँ पे स्कूल के ऊपर कुछ कुछ सुखाया जा रहा है क्योंकि समतल जमीन यहाँ पे नहीं है। और गांव की बात करें तो आप देखिए
स्कूल से जस्ट सटे छोटे छोटे घर हैं जो कि टाली वाली का यूज किया गया है। बिजली का कनेक्शन था लेकिन बिजली अभी है नहीं। मोटा मोटी घरों में अभी आपको सिर्फ सोलर पैनल ही देखने को मिलेंगे। सोलर पैनल से क्या होता है कि अपना मोबाइल चार्ज हो गया, इमरजेंसी लाइट हो गया, उस तरीके से यहाँ पे चार्जिंग करते हैं। बाकी इस तरीके का गांव एक बार आप लोग विजिट करिए, बहुत मज़ा आएगा और काफ़ी मतलब खूबसूरत रहता है। ये देखिए पहाड़ के ऊपर में जो है ना ये अरहर लगाया हुआ है जो कि थोड़ा थोड़ा सा फूल आ रहा है। हम आपको एक बार जूम करके दिखाते हैं। देखने से तो लगता है घास की जैसा बट घास नहीं है, ये पीला पीला जो फूल है वो अरहर का है। थोड़े दिनों में ये मैच्योर हो जाएगा तो फिर इसको काट पाएंगे। गांव के लोग और खासकर इस तरीके के गांव में जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा खुशहाल रहते हैं। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, ज़्यादा डिमांड नहीं रहता है, बस दो वक्त की खाने का हो जाए उतना ही बस काफ़ी है। हमें भी आना अच्छा लगता है जब भी समय मिलता है, कभी कभी हम विजिट करते हैं। और पीछे मकई जैसा आप देख सकते हैं, ये देखिए जो हमारे जस्ट ये पीछे है वो मकई नहीं, दरअसल ये बाजरा है। और बाजरा मतलब ऐसे फोटो वगैरह में देखे हैं इस तरीके से आज तक मतलब फल भी नहीं आया अभी। किस तरीके से आता है मकई जैसा आएगा कि किस तरीके से, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। बाकी अगर फिर से अगर मौका मिलता है ना आने का तो उस समय आके एक बार हम आपको दिखाएंगे कि बाजरे का जो खेती होता है वो किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे और जल्दी आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सारी वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए आज ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।